अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, नहीं तो नहीं करना, वरना लोग होते हैं वीडियो के ऊपर, चलो यार वीडियो में कमेंट्स अच्छे देंगे, मगर अच्छी लगे तो करना, नहीं लगे तो आप बोल देना कि रियल भाई म्यार सही। तो भाई एक तरफ बीफ पुलाव है, एक तरफ बीफ बिरयानी है और एक तरफ चिकन बिरयानी है, तो ये आ गया बिरयानी का प्लेटर। गोश्त की जो क्वालिटी है ना, ये देखें स्टैंडर्ड भाई, बिल्कुल अच्छा अलग गोश्त होता है ये देखें, गोश्त बहुत अच्छा है इनका। ये में तो बहुत बड़े बड़े बिरयानी वाले आता है, ये ब्रांड बिरयानी वाला है, गुजरात बिरयानी वाला है, फिर जोक रास्ते में आता है, जोक भी पड़ता है, नुमान है, बहुत सारे पड़ते हैं, लेकिन इसका जायका सबसे अच्छा लगता है। जायका बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। सारे भाई भी सारे कोरंजी से हैं स्पेशली। वाह भाई वाह माशा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? तो भाई बहुत अरसे पहले, यानी जब मैंने नई नई फूड व्लॉगिंग शुरू की थी, तब बनाई थी लांडी की अतारी बिरयानी। तो लोगों ने कहा कि यार लांडी की अतारी बिरयानी बड़ी रिकमेंडेशन आ रही थी, आजकल हम बिरयानी पे दोबारा से काम कर रहे हैं, तो आज फिर एक बार फिर हमें लांडी नंबर दो लेकर आ गई है अतारी बिरयानी खाने की तलाश, और खाकर देखेंगे कि बस जायका वैसा ही जैसे हमने पहले खाया था, पिछली बार खाई थी तो आउटस्टैंडिंग थी, तो दोबारा से खाकर देखते हैं और आपको बताते हैं कि भाई ज़्यादा मशहूर होने के बाद, मशहूर तो उस वक्त भी थी पर ज़्यादा मशहूर होने के बाद कुछ कमी तो नहीं आ गई जायके में। आए थोड़ा चेक करते हैं और सुनाए। जब भाई देखिए एक के बाद एक पतीला जाता रहता है, अब वो अंदर से बनकर आएगा, और सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि ऊपर भी बैठने का निर्णय है। भाई देखिए भाई चिकन भी खत्म हो गया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अंदर से आ रहा है लड़का, ला रहा है भाई, ला रहा है, ला लिया ले आओ ले आओ। ये वाह भाई माशाल्लाह, ये सारे लाइन में खड़े हैं आप सारे बिरयानी के लिए। देखो भाई दोनों भाई चावल की तो भाई, देखिए अतारी बिरयानी जुमरात के दिन बंद होती है, दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक होती है, और इस तरीके से अगर आप आ जाए तो नमाज जुम्मे का भी वक्फा है आधे घंटे का, और एक पाव है जी बीफ बिरयानी 150 रुपये, बीफ पुलाव भी यही रेट है, सादा है जी 100 रुपये पाव, और चिकन बिरयानी है जी तकरीबन 130 रुपये पाव, यानी 500 रुपये किलो, ये इनके रेट देखने ये चीज़ें होती हैं। आए ज़रा खाते हैं, एक किलो आधा किलो एक पाव चलते रहते हैं ऑर्डर भाई, देखिए एक के बाद एक ऑर्डर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है भाई। लांडी अतारी बिरयानी जी जी, तो किस दिन खुली होती है और किस दिन बंद होती है, पहले ये बता दे सर। ये सिर्फ जुमेरात को बंद होती है, बाकी सब दिन खुले हुए, 7 दिन खुली हुई होती जी है। जी कौन कौन सी बिरयानी होती है सर? हमारे पास बीफ बिरयानी है, बीफ पुलाव है, चिकन बिरयानी, तीन किस्म की होती है माशाल्लाह, तीन किस्म की है, और आते रहते हैं बार बार, कंटिन्यू माशाल्लाह चलती रहती है। पहले तो हमारे पास बीफ बिरयानी थी, तो लोगों ने फरमाइश करी थी भाई बीफ पुलाव भी लाओ, चिकन बिरयानी भी लाओ, तो हमारी बीफ बिरयानी फेमस थी, फिर बीफ पुलाव भी फेमस हो गया माशाल्लाह, और उसके अलावा चिकन बिरयानी भी फेमस हो गई माशाल्लाह। अच्छा बैठने की जगह नहीं मिलती अभी भी, देखे लोग खड़े में इंतजार कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि किस जगह पर है ये? ये लांडी धोप है, बाबर मार्केट से आ गए भाई। पूरे लांडी कुरंगी में मैं बोलता हूँ इस तरह की क्वालिटी, इस तरह का म्यार कोई भी नहीं देगा, जिस तरह महंगाई चल रही है, प्योर बचिया का गोश्त डालते हैं माशाल्लाह, रेट भी हमारे मुनासिब पे 150 रुपये पाओ, और उसके अलावा फूड पांडा पे भी अवेलेबल है, और आप लोग बाइक के ज़रिए भी मंगा सकते हैं माशाल्लाह, लोग दूर दूर से आते हैं, सदर से, गुलशन से, जहाँ भी बैठे हुए आप मंगा सकते हैं बिरयानी बाइक के जरिए। और लांडी में मतलब आसानी से पहुँच जाता है बंदा जी? यहाँ आसानी से पहुँच जाता है बंदा जी? बिल्कुल पहुँच जाता है, आप खाली इतना बोलो अतारी बिरयानी पे आना, अतारी बिरयानी पे पहुंच जाओ। लांडी में इतनी मशहूर है, हमारा मैप पे भी है, फेसबुक पेज भी बना हुआ, उस पे भी है माशाल्लाह। अच्छा एक चिकन बनाए और एक बीफ बनाए, जरा चाय तो करें। पहले बार हमने बीफ खाई थी बिरयानी ना जी जी, अब पुलाव भी हो गया है। मैं आपको तीनों वैरायटियां बना के दे देता हूँ, तीनों चेक करिए, और आप अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, नहीं तो नहीं करना, वरना लोग होते हैं वीडियो के ऊपर, चलो यार वीडियो में कमेंट्स अच्छे देंगे, मगर अच्छी लगे तो करना, नहीं लगे तो आप बोल देना कि रियल भाई म्यार सही नहीं। वाह 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 जबरदस्त, ये होता है दामाद भाई। अच्छा तो भाई इसमें क्या क्या कचरा बनाया आपने स्पेशल हमारा? बीफ बिरयानी, हाँ पुलाव, हाँ चिकन लगा रहा। ओके तीनों बिरयानी का प्लेटर बना दिया आपने जी, जी। तो भाई ये देखें ये चिकन आ गई, इससे पहले बीफ पुलाव आ चुका है। वाह 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 भाई वाह जबरदस्त जबरदस्त, तो ऐसे कोई बनवाए बन जाता है, बना के दे देंगे, बन जाएगा भाई प्लेटर बन जाएगा। ओके तीनों मजे ले एक टिकट में। चलो भाई
तो भाई ये बिरयानी तशला बिरयानी प्लेटर कह लें, जिसमें चिकन भी है, बीफ भी है और बिरयानी पुलाव भी है, मतलब तीनों चीज़ें हैं। तकरीबन तीन जायके मिलेंगे आपको एक ही थाली के अंदर। आ जाए ज़रा दिखाएं, करीब से आके दिखाएं ज़रा भाई, देखें भाई। अच्छा भाई ये है बिरयानी, इनकी ज़रा देखने में देखें, मसालेदार चटपटी जो होती है ना इनकी स्पेशली। तो सबसे पहले जो ये हिट भी हुए हैं, तो ये हिट भी इसी से हुए थे कि इस बिरयानी से। उसके बाद पुलाव और चिकन पे आए, चिकन बिरयानी के ऊपर गोश्त चखते हैं भाई, इसका मीट चखते हैं। अब बहुत टेंडर जूसी गोश्त है माशाल्लाह। और दूसरी बात, प्रॉपर गला हुआ है, वाकई आपको जायका आता है कि फ्रेश मीट है ये, ये बहुत अच्छी बात है। और उतना ही अपना जानवर काटते हैं माशाल्लाह से, और बोनलेस है यार। ये 150 रुपये पाव है। आज ज़रा आपको मसाले दिखाएं करीब से, आए देखें देखें, इसमें टमाटर हरे मसाले, ये देखें यार, ये होती बिरयानी की असल जान भाई। अगर बिरयानी के अंदर हरे मसाले अच्छे डले हुए ना, तो उसका मतलब बिरयानी मज़ा करेगी। और मुझे हमेशा से बिरयानी ऐसे ही पसंद आती है, इसमें हरे मसाले हो ना, टमाटर मिर्चें, क्या मज़े की है। चटपटी से कांचले को पसंद आती है ना, तो वैसे ही है। तारी की खास बात ये है कि इनके जो हरे मसाले हैं ना, उसका जायका बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है, और मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आती है। और दूसरी चीज़, गोश्त बहुत अच्छा है, चावल बड़े खिला खिला सा है, खुशबू अच्छी आती है। हर निवाले के बाद आपका दिल कर रहा है खाते रहें। अगर आप ही चाहें तो मसाले कम भी करवा सकते हैं, लेकिन भाई मुझे ज़्यादातर इसी तरह की मसाले ज़्यादा पसंद है। तो अब ज़रा जी चिकन पे आ जाएं। अच्छा, हमसे गलती ही हो गई, चिकन का पीस अच्छा है, गलती हमसे ही हो गई कि भाई हमने पहले बीफ खा ली, वैसे चिकन पहले खानी चाहिए थी हमें। आए ज़रा चिकन, चिकन दिखाएं इधर, ये देखें भाई, चिकन भी इनकी वही हरे मसाले वाली फुल। अच्छा, इनके चावलों में इतनी जान है, इतनी चटपटी और टीकी सी है ये, कि अगर आप इसमें बोटियाँ ना भी डलवाएं शादी की खाएँ, तब भी आपको ये बहुत मज़ा करेगी। वो बिरयानी की जान असल में होती है ये, कि गोश्त के बगैर आपको मज़ा है। ये देखें प्रॉपर चावल खिला हुआ है, मज़ा आ रहा है। अब आ जाते हैं जी पुलाव पे। ये देखें पुलाव हुआ गोश्त, स्टैंडर्ड वाह। थोड़ा चिकना गोश्त है, उसमें थोड़ा रूखा था, ये देखें चिकना नज़र आ रहा है आपको। ये देखें इनका हरा मसाला ना, इनकी जान है, इनकी बिरयानी पुलाव की जान है। पुलाव अच्छा है इनका यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छा है, ये जायका अच्छा दे रहा है बहुत। और ये खाने के बाद जब आपको यहाँ महसूस होता है जायके, वो उसका पता चलता है फ्लेवर कैसा है, बहुत मज़ा किया बाद में आके। और ये देखें चावल पूरा प्रॉपर तरीके से खिला खिला था, बड़ा चावल है, यानी हर बाइट के बाद आपका दिल चाहता है खाते रहो। यानी ऐसा पुलाव है, ऐसा बिरयानी है कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इसकी लोकेशन ये है कि लांडी हाई स्कूल आएंगे आप, वहाँ करीब ही लांडी 2 नंबर के लाता है ये, और आप वहाँ से बोलेंगे लांडी अतारी बिरयानी, तो ये आपको आराम से लोग पहुँचा देंगे। वाकई बहुत मशहूर की बिरयानी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसकी गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, फिर मुलाकात होती है कहीं और। और आप सिकंदर भाई से भी ले लेते हैं, सिकंदर भाई भी साथ है हमारे। भाई वैसे जैसे हमने लास्ट टाइम खाई थी, बहुत जूसी और स्पाइसी, उसके स्पाइस की बात है कि लगते हैं कि वाकई में आपको एक पीस खा रहे हो। हाँ भाई, पुलाव जो है मैं फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ इधर का, पुलाव भी अच्छा है, मतलब आप मतलब रिकमेंड कर रहे हैं पुलाव अच्छा है, तो बिरयानी जो है ना वो हाई रिकमेंड है। ओके जी, तो खत्म कर रहे हैं। अल्लाह।